नमस्कार, मैं दिनेश खत्री आपके सामने क्लास हिंदी की पुस्तक कृतिका का पाठ क्रमांक एक इस जल प्रलय में के प्रश्न उत्तर लिख के आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए हम अध्ययन करते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, यानी जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के आधार पर बताना है कि किस तरह की लोग तैयारियाँ कर रहे थे। तो आंसर देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। तो ये सारा सामान वो इकट्ठा कर रहे थे जब बाढ़ आ रही थी। क्या क्या इकट्ठा किया उन्होंने? आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां। अगला प्रश्न देखें, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो आपको पता ही होगा कि लेखक का जो स्थान है, जहां वो गांव है, वहां पर बाढ़ से ग्रस्त लोग आकर शरण लेते थे। तो उसने कभी बाढ़ के दुख को भोगा नहीं था, इसलिए वो अनुभव चाहता था, तो उत्सुक था। देखिए क्या आंसर है, लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे, यानी जो बाढ़ आती है वहाँ पर जो बचाव के लिए क्षेत्र था वो इन क्षेत्र में रहने वाले लेखक हैं। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था, उसने बाढ़ को देखा था पर बाढ़ गिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। उसने बाढ़ तो देखी थी लेकिन कभी उसमें गिरा नहीं था, बहा नहीं था या ऐसा भोगने का उसने अनुभव नहीं लिया। वह प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था, वह बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। या बीच में आप बाढ़ लिख दें, वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था जिसे शांत करने के लिए बहुत बेचैन था। वह बाढ़ के बारे में जानने के लिए बड़ा इच्छुक था इसलिए वह बड़ा उत्सुक था, उसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन था कि भैया बाढ़ के बारे में मैं जानूंगा, उसको भोगूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है? पानी कहाँ तक आ गया यह जिज्ञासा सबके मन में थी, सब अपने जबान से ही यही शब्द कह रहे थे। सभी को ये जानना था कि पानी कहाँ आ गया है, सबको ये जानने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए सभी के मुंह पर जबान पर एक ही चीज़ थी, पानी कहाँ आ गया है। इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है, यानी वह जवाड़ को देखने के लिए उत्सुक है, उससे सुरक्षित रहने के लिए उत्सुक है और उसे जानने के लिए उत्सुक है। ये सारी चीज़ें उसने यहाँ लिखी कि वह भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह नहीं पाते, इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मृत्यु का दर्द किसे कहा गया और क्यों? तो आपको पता ही है, बाढ़ का पानी जो गहरे हुए झाग फैन में आ रहा था उसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जब बाढ़ का पानी आता है तो सब लोगों को बहा गिर जाता है ना। देखिए आंसर क्या है, बाढ़ को गहरुआ झाग फैन वाला पानी जो मिट्टी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुँचाता है। तो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया? जो गहरुए झाग फैन वाला पानी मोटी रस्सी की तरह आ रहा था और सभी को धीरे धीरे साथ में डूबो रहा था, इसलिए लोगों में भय था, इसलिए ऐसे पानी को क्या कहा गया? मृत्यु का तरल दूध, क्योंकि वह पानी बहुत सारे जन और धन की हानि कर रहा था। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपदाओं से निपटने के हमारे सुझाव निम्न है, सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए, इस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। अब सरकार जो चीज़ें या साधन ध्यान में रखती है बाढ़ आने की के समय, उन सामान की आपको देखरेख करनी चाहिए, जैसे समय समय पर उसके अभ्यास करने चाहिए जिसे पता चले कि वो सामग्री काम आ रही है नहीं आ रही है, किस तरह से हो रही है ना।
दूसरा, स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं वह बढ़ चढ़कर आपदा से निपटने के लिए आगे आनी चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल होना चाहिए। उत्साही नवयुवकों नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। ये हमारी तरफ से सुझाव। फिर प्रश्न क्रमांक 6, आपको पता होगा किसी ने कहा, ई जब दान पूरा डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। इस कथन के द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? उत कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति संकुचित स्वार्थी मानसिकता संवेदनशील संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी, अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब दानापुर करके डूब रहा था तब पटना के लोगों ने वहाँ मदद नहीं की, न उसे देखने आए, न कुछ उन्होंने उसके बारे में सहायता का सोचा, लेकिन जब खुद डूब रहे थे तब सभी को पता चल रहा था कि बाढ़ की पीड़ा क्या होती है। इसलिए इस कथन के माध्यम से उसने क्या किया है, उसने संकुचित स्वार्थी मानसिकता संवेदनहीनता की ऐसी स्थितियां बताई है लोगों की, उसके ऊपर उसने चोट की है। अगला प्रश्न देखें, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे, यानी उसे देखना चाहते थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था और वहाँ इकट्ठे होकर लोग उसके बारे में बातें भी करते थे, इसलिए पान की दुकानों पर अचानक बिक्री बढ़ गई। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर उसने कोयले के बारे में पूछा, केरोसिन के बारे में पूछा। उसने आलू प्याज मोमबत्ती माचिस सिगरेट कंपोज की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी बांग्ला अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएँ खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय व्यतीत कर सके। तो ये सारा उसने किया था लेखक ने, ठीक है। फिर प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने की शंका रहती है? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाई घाव हो जाता है, यानी पानी में पैर रहने से हाथ रहने से उसके अंगुलियों के बीच में वो सड़ गल जाती है, इस वजह से घाव पक जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पाँव की तियाँ सड़ जाती है और तलों में घाव हो जाता है। इस प्रकार से उसने बताया कि कौन कौन से घाव होते हैं। फिर नौजवान के पानी में उतरते ही पता होगा कि एक बार उसने बताया था कि हम नाव में कहीं गए तो नाव में एक नौजवान सा कुत्ता भी आ गया, तो डॉक्टर उसे डर गए, डॉक्टर ने कहा कुत्ता नहीं जाएगा। तब की बात है कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, तो दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान के उतरते भी कुत्ता भी पानी में कूद गया, ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया, क्योंकि जब उसका मालिक नहीं जा रहा था तो कुत्ता भी चाहता था कि वो भी नहीं जाए। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे के भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे, ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्त की भावना भी प्रकट की। तो कुत्ते ने स्वामी भक्त की भावना प्रकट की और जो मालिक था उसने जानवर को और मनुष्य को एक समान माना है और साथ साथ वह अच्छा मित्र माना है, सुख दुख का साथी माना है, तो वो सारी भावनाएं यहाँ व्यक्त की गई है। 11 प्रश्न देखिए, उसका उत्तर क्या है? प्रश्न देखें, अच्छा है कुछ भी नहीं है, यानी जब बाढ़ आई तो उसने कहा था लेखक ने कि मेरे पास कुछ नहीं है, कलम थी वो भी चोरी हो गई है और मूवी कैमरा टैप रिकॉर्ड आदि नहीं है। पहले उसने चाहा कि उसके पास हो तो उसे वह रिकॉर्ड करे, लेकिन बाद में उसने मना किया। ऐसा क्यों है? तो लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता था, उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्य को संजो ले। एक तो वह चाहता था कि बाढ़ के में किस तरह से लोग जीते या भोगते हैं, है ना, तो वह उसे अनुभव करना चाहता था। दूसरा, उसके अंदर एक कलाकार था, लेखक भाव था, तो वह चाहता था कि उन बाढ़ में जो चीज़ें उसे नज़र आ रही उसे वह लिखे। यदि उसके पास मूवी कैमरा टैप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसे चित्रण भी करता, तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता, इसलिए उसने ऐसा बाद में नहीं किया। आपने देखा होगा मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती है, किसी एक घटना का उल्लेख या आपको इच्छा से करना है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान दें।
मीडिया प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम है, उसकी पहुंच जन जन तक है। मीडिया से आप किसी भी सूचना को, संदेश को दूर दूर तक भेज सकते हो और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। आज मीडिया अपने साधना द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा देता है। आज मीडिया क्या करता है कि अपनी खबर को जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचा देता है। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के चक्कर में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, है ना, जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते अब उसने घटना लिखी है, ध्यान रखें। समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस प्रकार प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगा। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति खराब हो गई। अब देखो, छोटी सी बात थी कि आते वक्त थोड़ी सी अनबन हो गई और गलतफहमी की वजह से क्या हो गया कि गाली गलौच हो गई, पथराव हो गया। तो इससे क्या हुआ कि न्यूज़ ऐसी चला दी गई मीडिया में कि वो दंगा लगने लगा और दंगे की स्थिति बन गई। इसलिए लगभग 2 सप्ताह तक उस मामले को ठंडा होने में समय लगा, तब तक स्थिति खराब रही। आपने किसी आपदा को भोगा हो तो उसका आपको वर्णन करना है। इस प्रकार से ये प्रश्न है, इसके PDF मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। यदि आप लिख नहीं पाएँ तो उसे देख के आराम से लिखें और उन प्रश्नों को समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।